This news is sponsored by Event Handle. Make your event memorable. जब आप इनसे जवाब नहीं मांगते हैं, कहते हैं ये हमारे से पहले नहीं हुआ, ये काम ये इनकी वजह से हो रहा है, बेरोजगारी है तो कांग्रेस की वजह से है, लेकिन सत्ता में तो आप नहीं है 5 साल, आपने क्या किया? जनता को धोखा दिया, जनता को धोखा दिया है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जनता को धोखा दिया है। देखिए बहानेबाजी नहीं चलती, आप कहते हैं शक्तिमान है, आप कहते हैं बहुत बड़े नेता हैं, आप कहते हैं आपका 56 इंच का सीना है, तो अगर इतने महान है, इतने शक्तिमान है तो क्यों अपने निश्चय नहीं ले सकते, क्यों किसानों के लिए निश्चय क्यों नहीं ले सकते, रोजगार क्यों नहीं दिलवा सकते? ये आपकी दुर्बलता है, ये एक दुर्बल सरकार है, इसको पहचानिए। जो सबल सरकार होती है, जिसकी शक्ति होती है, जिसकी राजनीतिक शक्ति होती है, वो क्या करती है? कभी अब जनता को नहीं दबाती, कभी जनता को नहीं दबाती, आलोचना सहती है, जब जनता उठ के अपनी मांग उठाती है उसको दबाती नहीं है, पिटवाती नहीं है, वो सुनती है। राजनीतिक शक्ति इसको कहती है। और ये दमदमा घाट की तस्वीरें आपके सामने, प्रियंका गांधी लोगों को संबोधित कर रही हैं। स्वास्थ्य देखते हैं, परिवार में जाती हैं, उनका स्वास्थ्य पूछती हैं,
नौ महीनों के लिए मात्र उनको 600 रुपए मिलते हैं जब उस महिला का बच्चा होता है। दूसरी तरफ तो इस सरकार के जो उद्योगपति मित्र हैं उनको हजारों करोड़ों रुपए मिलते हैं, उनके कर्ज माफ हो जाते हैं क्योंकि उनको बार बार उद्योग उनके बढ़ाए जाते हैं, उनके ये सारे कार्य किए जाते हैं। अब देखिए सीधी सी बात, राजनीति किसके लिए होनी चाहिए बताइए, किसान और बेरोजगारों के लिए? हेलो, हाँ हाँ ओके। उन्होंने क्या कहा कि जब हम अपनी मांगे सामने लाते हैं हमें दबाया जाता है, लाठी चार्ज कर देते हैं। कल एक महिला आई, आशा बहू थी, उसने कुछ आंदोलन किया, उनके खिलाफ कोई धारा लगा दी, देशद्रोह की धारा। तो आप समझिए कि ये देश आपका देश है, ये लोकतंत्र आपका लोकतंत्र है, ये राजनीति आपकी राजनीति है। अगर आप नहीं होते तो हम नहीं होते। कोई सवाल ही नहीं उठता कि कोई प्रियंका गांधी आपके सामने आके लेकिन आपसे बहुत बड़ी शिकायत है। आप भूल चुके हैं इस बात को, पूरी तरह से भूल चुके हैं इस बात को। आपको नेता के पास जाना पड़ता है, उससे अपने अधिकारों की भीख मांगनी पड़ती है, जबकि आपके अधिकार हैं, आपके हक हैं। इस बात को बदलिए, ये जो वोट है आप इसको हल्के में मत लीजिए। आप सोचिए कि आपकी भलाई कौन कर रहा है, आपकी सुनवाई कौन कर रहा है, आपका काम कौन कर रहा है। आपको रोज तमाम समस्याएं हैं, आपको रोजगार चाहिए, किसानों को अपनी उपज के लिए सही दाम चाहिए, कर्जों में मदद चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, जो आशा बहू है आंगनबाड़ी की महिलाएं उनको मदद चाहिए। ये समस्या है इस चुनाव की, ये मुद्दे हैं इस चुनाव के। इन्हीं मुद्दों को आप मुद्दे बना सकते हैं, आपकी जागरूकता ही इस चुनाव को इस तरह से बनाना चाहिए। अगर आप जागरूक रहेंगे तो आपकी जागरूकता ही ऐसी सरकार लाएगी जो आपके लिए काम करेगी। अगर आप बार बार चुनाव में दूसरे मुद्दों में उलझ जाएंगे जिनसे आपकी रोजी रोटी से, आपके पेट से, आपके भविष्य से कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ नेता आपके ऊपर राज करते रहेंगे, अपनी भलाई करते रहेंगे, अपने उद्योगपति मित्रों की भलाई करते रहेंगे और आप वहीं पे ही रहेंगे जहाँ। तो आप ठीक तरह से सोचिए, समझिए ये चुनाव क्या है, अपना वोट सही तरह से इस्तेमाल करिए। आपने खुद देखा है जब कांग्रेस की सरकार थी तो कभी ऐसा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। 45 साल में पहली बार है कि इतने कम रोजगार मिले हैं इस देश में, ये पहले नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार में आपको मनरेगा मिला, आज क्या हालात है उस मनरेगा के, 6-6 महीनों के लिए पैसे नहीं मिलते हैं, 6-6 महीनों के लिए पैसे नहीं मिलते हैं जो मनरेगा में काम करता है। तो आप समझिए कि जब कांग्रेस की सरकार आप लाएंगे तो एक जागरूक सरकार लाएंगे और एक ऐसी सरकार लाएंगे जो आपके लिए काम करेगी। आपने देखा है कि मेरे भाई राहुल जी जब कुछ कहते हैं उसको करते हैं। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आई, 10 दिनों में किसानों के कर्जे माफ हुए। राजस्थान में हमारी सरकार
Yeah.
पहचानिए इस बात को, जागिए इस बात के प्रति। आगे जो चुनाव आ रहा है इसमें सोच समझ के सही वोट दीजिए। आपने कांग्रेस की भी सरकारें देखी हैं, आपने देखा है कि मनरेगा जैसी स्कीम आपके लिए किस सरकार लाई, कौन सी सरकार लाई। आपने देखा है कि विकास हुआ। आज जो स्थिति है 45 सालों में ऐसी स्थिति नहीं हुई है, इतने कम रोजगार 45 सालों में नहीं हुए जितने इन 5 सालों में हुए हैं। तो इन बातों को समझिए, आपस में किसी को ये इजाजत मत दीजिए कि आपके बीच में बैर फैलाए। ये सिर्फ आपका फायदा नहीं होगा, इसमें सिर्फ उन्हीं का फायदा होगा। अपने लिए सरकार चुनिए, ये देश आपका है, इस देश की हिफाजत आप करें। अगर आप नहीं होते हम सब नहीं होते। हमें ये हिम्मत नहीं होती कि हम इस मंच पे खड़े होकर आपको भाषण देते। आपने बनाया है, समझिए इस बात को। आने वाले चुनाव में जब आप कांग्रेस को विजयी बनाएंगे, राहुल जी को आगे बढ़ाएंगे, उनके हाथ मजबूत बनाएंगे, तो आप खुद देखेंगे कि आपका विकास होगा। जहां हमारी सरकारें बनी हैं, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हमारी अभी अभी सरकारें बनी, 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ किया गया। क्यों? क्योंकि इरादा था, जुमले नहीं थे। तो मैं चाहती हूँ, मेरा आग्रह है, इतनी धूप पे आपने मेरा इंतजार किया, मेरी बातों को अपने मन में रखिए। और जिस दिन चुनाव आएगा, अपने देश को मजबूत बनाइए, अपने आप को मजबूत बनाइए, जागरूक रहिए। देश आपका है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जोर से बोलिए, दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब